वाहिगुरु जी का खालसा। और ये गुरुद्वारे का हाल है, गुरु नानक देव जी जगह है। ये देख लो की हाल है। ये चारा चंग यही कला पोचा झाड़ू ही करता है, गुरुद्वारे सह संभाल ही रखता है। जे यही खाता था यहीं पे सो जाता है, और नहीं है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सिख खाता ही नहीं है। ये देख लो कि चारा जो मिलेगा वही खाऊगा ना। ये है गुरुद्वारा अपने सिख पंथ दे, ये है गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा। यह देख लो खंडन पिया वा, इतना सबसे ज्यादा सिख पंथ बद चढ़ के आओ, सैर संभाल करो अपने गुरुद्वारे की। यह देख लो ये इतने पौड़ियाँ, यह देख लो उत्ते जा रहे हैं, यह देख लो दर्शन कर लो। इतना गुरु नानक देव जी आए, यह देख लो खंडन पिया जमा ही कुछ भी नहीं पिया। यह देख बाद तो बाद अपने आके सह संभाल करो, नाल ही पीछे नदी है। मैं डिगना जावा कि थले, देख लो पीछे नदी भी है, खंडन पिया वा। देख लो ये नदी है, ये भाई सबसे बड़ा इत्थे तीर्थ पंडतां दा। ये पता केड़ी जगह? गया विष्णु पद, गया विष्णु पद। पटना साहब तो 100 किलोमीटर है, ये सासाराम तो लागे ही है। विष्णु पद गया उत्थे गुरुद्वारा देख लो, इत्थे गुरु नानक देव जी इत्थे महाराज आए थे। अपने पंथ के किन्ने लोगों को संगत को माया अरबा खरबा रुपये, इत्थे वधिया गुरुद्वारा बना टाप का, इत्थे महाराज ने गुरबाणी भी चारी सी। हाथ जोड़ के बेनती है वीडियो बाद तो बाद शेयर करो। वाहिगुरु खालसा। ये देख लो जगह, हले उपर भी दिखाए हूँ, थले देख लो इतें ही है लैटरिन बिचे, इतें करता इतने पानी भी देख लो। हूँ इतने के देख लो, ये गुरु नानक देव जी जगह देख लो, इतिहासिक दसो अपने पंथ सिख को माया का घाटा है। बंदा तो एक दिन चल ही जाना ना, शरीर छड़ के चल जाना, एक कला चार सेवा करता इतने, ये कला ही है, ये कला ही है इतने उत्ते सौंदा उत्ते करता। गुरु दस बीस मिलता उसी में जिंदगी जीता, अन्न 10-20 रुपए मिलते उसी में जिंदगी जिंदगी। इतने पोचा झाड़ू पोचा मार देना, कोई ना कोई आवा 10-20 रुपए दे देता, रोटी खा लेता, नहीं तो की करूगा चेहरा। देख लो ये अपने सिख पंथ की चढ़ती कला, गुरु नानक देव गुरु गोबिंद सिंह अपने पंथ के करण सारा कुछ प्रवान करे। वाह वाह बाणी निरंकार है। यह देख लो तुहाडे सामने ही है कि हाल बने हुए इतने, ये चेहरा कला ही इतना झाड़ पोचा मारता, होर कोई नहीं इतने। देख लो तुहाडे सामने ही है। वाहिगुरु जी का खालसा था वाहिगुरु। जिन्हें गुरु नानक देव ने प्रेम प्यार है, वध तो वध वीडियो शेयर करो। इतने वध तो वध चढ़ के आके गुरुद्वारा टाप का बना पता भी लगे सिख पंथ नूं, इतने पंडितों भी पता लगे गुरु नानक देव जी सिख हैं, नाले गुरु नानक देव जी सिख हैं, जागती जोत है महाराज सिख हैं। ते देख लो इतने की हाल होंगे पे, की जरा पंडित रोटी को दे देता 10-20 रुपये खा लेंदा, उत्ते बैठा रहा उत्ते सो जाता, वो देख लो वो उत्ते सो जाता। यह देख लो की करे बंदा हूँ अपने सिख पंथ का, वैसे पैसा घट अरबा खरबा इतना पैसा ला के वधिया गुरुद्वारा बनाओ। ये जगह का नाम है गया विष्णु पद, जगह का नाम की है गया ना विष्णु पद। हाँ बोलो गया देवघाट विष्णु पद। नदी का नाम की है फलगू नदी, फलगू नदी के किनारे गुरुद्वारा फलमू नदी। इतने सब तो ज्यादा संस्कार होंगे ना हिंदुओं का, पिंड दान होंगे ना, पिंड दान होता है देवघाट में, देवघाट में पिंड दान होंगे इतने सब से। इतने गुरु नानक देव ने आके इन्होंने पंडित ने उपदेश दिता है, पिंड दान का करना। इतने महाराज ने गुरबाणी विचारी थी, तुम्हें सारा इतिहास के बारे में पता लग गया। मैं टूक माता दसिया, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह। सब तो ज़्यादा तो वीडियो शेयर करो, तो गुरुद्वारा बनाने की कोशिश करो। वाहिगुरु खालसा वाहे फतेह। यह है गया विष्णु पद, गया ना गया विष्णु पद देवघाट, जहाँ गया विष्णु पद देवघाट जहाँ पिंड प्रधान होता है पूर्वजों का, वहाँ किनारे फल्गु नदी किनारे गुरुद्वारा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह।